बनेंगे। इसके अलावा बनाएंगे फ्राइड श्रिम्प चाउमिन। हाँ पर चूंकि ऑयल हो रहा है और मुझे बनानी है फ्राइड श्रिम्प चाउमिन, तो इसके लिए मेरे पास ये सिब्लू की बहुत ही शानदार से ब्रेडेड श्रिम्प रखे हुए हैं, तो इसको मैं फ्राइंग के लिए डाल देती हूँ। ऑल राइट सिब्लू, ऑल द गुडनेस ऑफ सी। यहाँ पर वैरायटी ऑफ सी फूड अगर कोई दे रहा है बेस्ट क्वालिटी का, अगर आपको क्रेविंग होती है कि आपको सी फूड खाना है और वो भी अच्छी क्वालिटी का, ताकि तमाम जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि सी फूड खाने से मिलते हैं आपको, तो वो आपको मैंने तो सिर्फ और सिर्फ सिब्लू इज़ द नेम जहाँ पर आपको तमाम वैरायटी ऑफ सी फूड मिल जाता है। ये ब्रेडेड श्रिम्प जस्ट आपने पैकेट ओपन करना है, रेडी टू कुक। कितना आसान है ये, चाहे तो ऐसे ही सर्व कर दें एज ए स्टार्टर, चाहे तो इससे रेसिपीज क्रिएट करते जाएं आज आप बता रही हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल, देखें अच्छा इसको मैं अभी थोड़ा सा चूल्हा तेज कर देती हूँ, क्योंकि बल्कि मैंने बंद कर दिया था। सही जी, ये फ्राई हो जाएंगे, उसके बाद इसको चाउमिन में किस तरह से डालेंगे आप ये देखिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर चाउमिन बनाने अभी मुझे दीजिएगा ऑयल। यहाँ पर मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ अदरक और लहसुन क्रश किया हुआ, ये मेरे पास मौजूद है, ठीक है जी, तकरीबन 1 टेबल स्पून दोनों चीज़ें हैं। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे मौजूद है ज़बरदस्ती फ्रेश स्ट्रीट की मिक्स वेजिटेबल है। आपको पता है कि जब चाउमिन बनाना हो तो खासा टाइम लग जाता है सारी वेजिटेबल्स को कट करने में, लेकिन मुझे नहीं लगेगा, इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि आप हमारे पास फ्रेश स्ट्रीट की बहुत ही शानदार वेजिटेबल्स मौजूद हैं। ये वो वेजिटेबल्स जब ऑफ सीजन भी हो तो आपके पास मौजूद होंगे, आपके फ्रीजर में होंगे और आपको टेंशन नहीं होगी जस्ट कि कटिंग करना है या वॉश करना है या अभी कब इस्तेमाल इसको किस तरह से करना है, जस्ट पैकेट खोलना है और इसके बाद ये हल्का सा और हो जाए तो इसके अंदर मैं ये पूरे डाल दूंगी। ये पूरा पैकेट डाली, मैं इसमें कुछ कॉर्न्स का भी इजाफा करूंगी, कॉर्न्स मेरे पास है वो भी डालूंगी। ये गए, ये जनाब ये देखें पूरे एकदम से कलर्स आ जाते हैं, ये चला गया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें कुछ इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे, इतना कि हल्का सा इसका कच्चापन जो है वो इजीली दूर हो जाए, और इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। सही है जी, देती हूँ। अच्छा, रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है कि इसको आपको निकालना है, मैं यहाँ निकाल रही। ये मेरे पास बॉईल किए हुए नूडल्स हैं, ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और बाकी के सॉसेस का इजाफा करते हैं। इसमें क्या क्या डालेंगे हम, इसमें ऑयस्टर सॉस 2 टेबल स्पून, ये चला गया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये सेसमी सीड ऑयल तकरीबन 1 टीस्पून। अब जाएगा इसमें, अभी आप ये निकाल सकती हैं, मैं निकाल दूंगी। चलें जी, ये मेरे पास फ्रेश स्ट्रीट का थाई स्वीट चिली, ये जाएगा इसके अंदर तकरीबन, ये गया इसमें 2 टेबल स्पून डाल दिया मैंने, क्योंकि हमारे पास खासे नूडल्स हैं, ये गया। इसके बाद हम इसमें डालेंगे विनेगर, ये भी होगा तकरीबन 2 टेबल स्पून, ये चला गया, ये भी फ्रेश स्ट्रीट का ही है। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें सोया सॉस, बेहतरीन है क्योंकि चाइनीज जब आप बनाते हैं तो आपके पास सोया सॉस जो है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ये गया इसमें सोया सॉस, ये भी गया तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। अब मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर शामिल करूँगी थोड़ा सा, ये मेरे पास चिकन पाउडर, ये गया इसमें चिकन पाउडर तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब, ये चला गया। अच्छा, अब आप चाहें तो इसके अंदर वाइट पेपर पाउडर शामिल कर सकते हैं, इसको पहले मिक्स करेंगे, मैं मिक्स करती हूँ, ये देखिए जी। अच्छा, कुछ ऐसा है कि थोड़ा सा, अच्छा तेज़ आंच पे इसको हमने मिक्स करना है, ठीक है, फिर आप देखिएगा कितने अच्छे से सारे कलर्स निकल के आएंगे। इसको हम डिश आउट करेंगे और डिश आउट करने के बाद हम इसको अपने प्लेटर में जब डालेंगे तो ये वाले श्रिम्प जो हमने फ्राई करके यहाँ पे रखे, इसको ऊपर से हम इसको सर्व करेंगे तो हो जाएंगे ये बेहतरीन, ठीक है जी। ये हरी प्याज, ये देखेंगे हरी प्याज तकरीबन 1 कप के करीब है। अच्छा, थोड़ा सा इसके अंदर हम डालेंगे, ये देखिए, एक सेकेंड थोड़ा सा उसको मिक्स कर लेते हैं, और ये ज़बरदस्त सी कलरफुल सी वेजिटेबल के साथ ये तैयार है। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर में इसलिए यूज़ करी, 1 टीस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था और थोड़े से पानी में इसको डिजॉल्व कर लिया, तो सिर्फ ऐसा कि हल्का सा ये मिला मिला लगे। चलें जी, ये हो गया हमारा तैयार चाउमिन, ज़बरदस्त सा। और इसमें हमारे ये प्रॉन्स जो है, श्रिम्प जो है, ये फ्राई हुए रखे हुए जो कि थे, ये देखें कितना कुछ शानदार सी हमारी हो चुकी है सारी वेजिटेबल्स वगैरह। मैं इसका चूल्हा ऑफ करती हूँ और जब इसको हम सेट करेंगे तो आप देखिएगा।